ही क्या है? इसे फ्लो ऑफ टाइम कहते हैं। जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बहकर तुम्हारे ऊपर से यूं ही निकल जाएगा। वो क्या होता है डोरेमोन? तुम्हें और समझाना पड़ेगा, तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन आज टेस्ट के लिए भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। क्या सच में आज का रिजल्ट क्या होगा? शायद जीरो मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सब पता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा। बुरा मत सोचो। ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। और ये कौन सा गैजेट है? ये है एम्बॉडीमेंट मिरर। की तरह या नेगेटिव इंसान की तरह इस गैजेट में कुछ शब्दों के एक्सप्रेशन भरे हुए हैं जिसे तुम गैजेट की मदद से देख सकते हो। तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या था डोरेमोन? एक कहावत है, लोमड़ी की वजह से बुरा होना, ये तुम्हें यही बता रही है। ये तो मजेदार है, मुझे और ट्राई करना है। ये खिलौना नहीं है नोबिता, मैंने निकाला था तुम्हें चीजें दिखाने के लिए। रुक जाओ। मैं इससे बहुत सी चीजें कर सकता हूँ, इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। फिर से खेलने जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ मॉम। तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, मुझे बस इस साल का रिजल्ट का इंतजार है। दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे कानों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसका मतलब है कि उसके कान खराब होते हैं। ये तो फिर से नेगेटिव बन गया। ला 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 पाए 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 पाए। नोबिता तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हंसता रहता हूँ। आज भी दो लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए कहा है, अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ? खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। बॉल अच्छे से पकड़ना। तुम सब क्या कर रहे हो, अच्छे से पकड़ो। ये वाकई सब बेकार है, मैं इतनी तेज बॉल नहीं पकड़ सकता हूँ। क्या हुआ सुनियो? मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस स्विंग की जगह तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ ना। ठीक है सुनियो, अब तुम क्या चढ़ो? अरे बाजी यार। तैयार हो जाओ। अच्छे से पकड़ना, ठीक है? क्या कर रहे हो, बहुत सही से पकड़ो। सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो। किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो। क्या सच में सुनियो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, बस कर लगा। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। हाँ वाकई बेसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझसे जीत ही नहीं सकता है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ खिलाड़ी। सुनियो से क्या कह रहा होगा? वो जरूर उसे मस्का लगा रहा होगा। मस्का? तुम जैसे इंसान होता है, जब तुम किसी से झूठ बोलते हो और वो खुश हो जाते हैं तो उसे मस्का लगाना कहते हैं नोबिता। तुमने मुझसे झूठ कहा? अरे वाह जियान, तुम तो ना। मेरा दोस्त अब आगे जाकर बड़े बड़े मैच खेलने वाला है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान, मैं तो सच में पूरे मन से तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन तुम लाल हो रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो। मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मजेदार गैजेट है। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। चमकने लगा। लगता नहीं कि आज के टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स आ पाएंगे। देखी सुगी, तुम्हारे तो पूरे मार्क्स आएंगे ना। मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो बच गया। डोरेमोन, कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका नेगी सुकी के साथ इतना क्यों रहती है। तुम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो नोबिता। वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्समैन भी है, समझदार है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके सामने कुछ नहीं। मार्क्स मिले हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखिर में गलत ही निकलता है। लेकिन तुमने इस बार ज्यादा गलतियाँ नहीं की हैं। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो। 65 मार्क्स? खुशबू तो ये गरम है।
दो। ये तो स्प्रिंग के